तो लेक्चर नंबर 17 में हम लॉगरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉगरिथम होता क्या है, इससे थोड़ी सी हम दोस्ती करते हैं, इसलिए मैंने इस लेक्चर का जो थीम रखा है वो है मेकिंग फ्रेंडशिप। क्योंकि किसी को भी जानना है, किसी भी पर्सन को जानना है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले दोस्ती करते हैं। और दोस्ती करने की पहले सीढ़ी ही होती है उसके बारे में जानना, उसका नाम पता करना, उसका काम पता करना, उसका बिहेवियर पता करना, उसका नेचर पता करना। तो ये चीज हम करने वाले हैं आज लॉग के साथ। तो सबसे पहले तो जाने लॉग है क्या और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जानना तो बहुत जरूरी है ना, जिस भी चीज के बारे में हमें सीखना है। तो ये जो लॉग है, ये लॉग एक्चुअल में क्या है, एक टूल है। ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक टूल है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल, लॉगरिथम। अभी टूल क्या होता है, जैसे घर में टूल से देखे होंगे ना, टूल्स होते हैं लाइक लाइक स्क्रू ड्राइवर, प्लास है ना, और हैमर, हथौड़ा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। और ये टूल्स क्या करते हैं, हमारे डिफिकल्ट वर्क को इजी बना देते हैं। जैसे कि मुझे कहीं कील गाड़नी, तो मैं हाथ से गाड़ सकता हूँ या नहीं, हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। कहीं से कोई पेच निकालना है या लगाना है, तो हमें पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा काम आसान कर देगा। टाइट करना है या ढीला करना है पेच को, हम हाथ से इतना नहीं कर पाते ना। प्लास, किसी चीज को निकालना है, कील को खींच कर निकालना है, प्लास हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे जो टूल्स जो हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं, या फिर बोले ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। सिमिलरली लॉगरिथम क्या करता है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस को छोटा बनाता है, कैलकुलेशंस को आसान कर देता है। हालांकि जेई के सिलेबस में वो वाला यूज नहीं है, जेई में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यूज क्या नहीं आता जो एक्चुअल में लॉग का यूज है, पर लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड आते हैं, क्योंकि लॉग की बेसिक चीजों पर ही आता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब करोड़ों अरबों में बात होती है, जैसे स्पेशली जब फिल्टर्स डिजाइन किए जाते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं, वाटर प्यूरिफाई वाला फिल्टर नहीं, लाइक एफएम सुनते होंगे आप तो, एड 95.1 रेडियो चेस का, 93.2 एफएम रेडियो, इस बिग एफएम, इस तरह के अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इसको हम कैसे सेट करते हैं, रेडियो में पुरानी रेडियो आते थे, आजकल तो बटन दबा के हो जाते हैं, पहले व्हील होता था, उस व्हील को हम घुमाते थे और वो फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती थी। तो ये जो व्हील को घुमाना है, फ्रिक्वेंसी सेट करना है, ये काम कौन करता है, फिल्टर। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सभी तरह की रेज आ रही है, सभी फ्रिक्वेंसी की रेज है, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करना, या बोलो फिल्टर करके उसको लेना, जैसे 93.2 ही हमें लेना है या 95 लेना है, तो ये हम स्पेसिफिक वो लेना, तो इस चीज को बोलते हैं फिल्टर। और इसको डिजाइन करने के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10^5, 6, 9 ऐसी होती है, और उनको बीच में जो कैलकुलेशन होता है बहुत टफ हो जाता है। उन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉगरिथम हम यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। इनफैक्ट जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो हो सकता है, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने ली, जैसे मैंने ली थी, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है कंट्रोल सिस्टम, वहां पर सेमी लॉग ग्राफ पेपर आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी ग्राफ पेपर देखते हो आप, दोनों तरफ नंबर्स होते हैं, उसमें एक तरफ लॉग रहता है और एक तरफ नॉर्मल नंबर्स रहते हैं, उसको आप यूज करोगे। तो मेन पर्पस क्या है लॉगरिथम का, कैलकुलेशन को छोटा बनाना, ये चीज हमें जाननी है, पता होनी चाहिए। लॉग के बारे में जान जाए, लॉग का पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, मैथमेटिक्स दुनिया में आने का, हर किसी का पर्पस होता है। लॉग का पर्पस है कैलकुलेशन को आसान बनाना, जहां पर भी कहीं कैलकुलेशन टफ हो रही है, उस चीज को इजी बनाने का काम करता है लॉगरिथम, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। अब इसको जानते हैं, काम कैसे करता है, लॉग क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सब चीजों को हम जानेंगे और इसे दोस्ती करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं लॉग। लॉग को इस तरह लिखा जाता है, अब सपोज मैंने यहाँ लॉग ए, यहाँ बेस बी लिख दिया, ऐसा लिखा है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, या फिर बोलो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, कि नीचे जो चीज होती है इसको बोला जाता है बेस, इसको क्या बोला जाता है, बेस, और इसको बोला जाता है वैल्यू। और इसको पढ़ते कैसे हैं पहले तो वो हमें सीखना है। कई लोग इसको लॉग ए बी बोलते हैं,
कई लोग इसको लॉग बी ए बोलते हैं, ये बोलना गलत है। इसका एक्चुअल जो प्रोनंसिएशन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। क्या बोला मैंने, लॉग लॉग ऑफ ए, किसका लॉग, ए का लॉग टू द बेस बी, किसके लिए, बेस क्या है, बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। चलो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो ये हमें याद रखना है इसका प्रोनंसिएशन। अब इसको शॉर्ट में, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, शॉर्ट में बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं, लॉग ए बेस बी, सिंपल, लॉग ए मतलब लॉग ए बेस बी। तो लॉग से पहले ए पर जाना है, फिर बी पर आना है, और साथ में बी से पहले बेस वर्ड जरूर यूज करना है। ओके, तो लॉग ए बेस बी इस तरह से हम बोलेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि हम बी, ध्यान से सुनना, क्या जो बी है, बी की कितनी पावर लगाएं कि हमें ए मिल जाए, बी की कितनी पावर लगाएं कि हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ये इसका मतलब होता है। जो पावर होती है वो यहाँ आंसर में आ जाती है। यहां से हम बोलते हैं आंसर इज इक्वल टू पावर, ये आंसर आ जाता है। कैसे, हम देखो एग्जांपल देखते हैं। मैं पहला एक एग्जांपल लेता हूं। हमारा क्वेश्चन है लॉग ऑफ एट टू द बेस टू, और पूछा है बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ एट टू द बेस टू इसकी वैल्यू कितनी होगी। तब ध्यान से देखो, नीचे बी की जगह कौन लिखा हुआ है, टू लिखा है, तो हमें ये चेक करना है कि टू की हम कितनी पावर लगाएं कि एट आ जाए। तो कितनी पावर लगाएंगे हम टू की, टू की पावर कितनी होगी, थ्री, टू रेस टू पावर थ्री एट होता है ना, तो इसलिए ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर हमें मिल जाएगा थ्री, बस काम खत्म। समझ में आया, नीचे जो बेस है, बेस की पावर कितनी लगाएं कि हमें वैल्यू मिल जाए, अब वो पावर ही हमारा आंसर होता है, लॉग हमें वो आंसर देता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, बताइए आंसर क्या होगा, सोचो कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा थ्री की पावर कितने लगा अप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए 81, तो थ्री रेस्ट टू पावर वन थ्री होता है, थ्री रेस्ट टू पावर टू नाइन होता है, थ्री रेस्ट पावर थ्री 27 होता है, थ्री रेस्ट पावर फोर 81 होता है, तो यहाँ पर फोर आंसर आ जाएगा। तो देखो 81 को सीधे उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर में, पहले एट को थ्री में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरह कोई भी वैल्यू है उसको छोटा बनाना होता है तो हम लॉग को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लॉग वर्क कैसे करता है, लॉग होता क्या है ना। इससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती हुई है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे और उस पर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। इसकी पूरी लाइफ को हम खोल देंगे, लाइफ की किताब को ओपन करते हैं, और लॉग एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हमें देता है, बस देखते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना मत भूलना, उसमें सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट, एवरीथिंग आपको मिलेगा। थैंक यू।